बार की बात है, उदयपुर गांव में एक ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरे और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। हाँ। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने के कुछ मोहरे और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। अरे बाबा, इतना सारा धन, अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ बाबा, पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी ज्ञानचंद दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। तभी उसकी पत्नी, अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी? अरे अरे भाग्यवान, ये देखो आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान, हम मौत से अपना जीवन गुजारेंगे। हाँ देखो देखो, तुम ही देखो कितना सारा धन है। अच्छा अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो यहाँ से। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो, चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुंचे जहां उसे एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है, चलो चलो आज रात हम उस झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही, देखिए ना यहाँ जानवर की हड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे? भाग्यवान कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब हैं, जैसा आप ठीक समझें। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे बाबा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है। हाँ, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही हैं? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे बाबा, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया, बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा, वाह। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ मैं खूंखार नरभक्षी हूँ, मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। हाँ अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो,
हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए इस झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो, तुम दोनों को खाकर मुझे न स्वाद आएगा और न मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ, मेरी भूख को शांत करो। जाओ वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यहीं मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। राक्षस महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाइएगा, मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था ये झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपके धन पाने के लालच में हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब इस नरभक्षी के लिए किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी आइएगा, वरना ये नरभक्षी मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिसे कुछ चील कौवे नोच रहे थे। अरे अरे, ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है, मैं इसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद वो उस भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उस नरभक्षी की झोपड़ी में आता है। तभी ज्ञानचंद देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर ज्ञानचंद हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय कपटी नरभक्षी, ये तूने क्या किया, तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाया, माफ कर देना। न मैं मंदिर से धन चुराता और न हम यहाँ इस जंगल में आते, मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया। हाँ, आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ, जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी ज्ञानचंद रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मेरे लालच ने तुम्हारी ये दशा कर दी है, मुझे बहुत पछतावा है, भगवान मुझे माफ कर देना। तभी उसे रोते देख पेड़ पर से एक गिद्ध की आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। ज्ञानचंद उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। उस खूंखार नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला, अब मैं क्या करूंगा, मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा, अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस खूंखार नरभक्षी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अब मैं जीना नहीं चाहता। उस खूंखार नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है, इस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होने को हैं। वो एक खूंखार नरभक्षी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। क्या सच में तुम सच बोल रहे हो, क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो, आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है, बताओ मुझे। मेरा नाम गरुड़राज है, मेरे पास दैविक शक्तियां हैं, इसलिए वो खूंखार नरभक्षी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी का जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होगा। गरुड़राज, आखिर क्या है वो कठिन रास्ता, मुझे बताओ, मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा।
इस जंगल के उस पार एक गुफा है जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा, वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएगा। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देता। तुम्हें उससे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गरुड़राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी गरुड़राज उसे अपना एक पंख देता है। ये लो मेरा ये जादुई पंख ले जाओ। जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे तब ये मेरा जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। ज्ञानचंद वो पंख लेकर जंगल के पार वाली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होती हैं, उस पर झपट पड़ता है। अरे अरे, कौन हो, कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तपस्वी देवराज की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है, मुझे देवराज तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। ये सुनकर वो डरावना लंगूर उसे छोड़ देता है। ठीक है, मैं आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के दो रास्ते बताऊंगा, तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। ठीक है, मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। जिसके बाद डरावना लंगूर अपनी आंखों की शक्ति से वहां दो रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा, जिसमें सिर्फ आग की मशालें जल रही होती हैं। ये देखकर ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद, मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है, और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरी राह पर मिलेंगे। डरावना लंगूर ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते से होती हुई उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। ज्ञानचंद अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है। ये क्या, गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शिला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी ज्ञानचंद उस शिला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तभी उसे शिला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और क्यों इस शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं ये गुफा देवराज तपस्वी की है? यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है, फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है, मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें गरुड़राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम इस शिला के अंदर आ पाओगे। ज्ञानचंद ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, और कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़राज के दिए पंख की तरह होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो इस शिला की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि इस शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़राज के पंख की तरह है। जैसे ही ज्ञानचंद उस पंख को शिला पर रखता है, वो पंख उस शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। ज्ञानचंद उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम 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 ओम।
तभी ज्ञानचंद उसके पास जाता है। हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, आंखें खोलिए अपनी। कि देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलता है। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वो खूंखार नरभक्षी एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए देवराज। दुष्ट व्यक्ति, तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद ये सुनकर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ता है। नहीं नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए, आप एक महान तपस्वी हैं, मैं जानता हूँ मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। ज्ञानचंद की ये बातें सुनकर, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे दो सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता, मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है देवराज तपस्वी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता है, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सके, इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है, भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी, अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहां से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख प्यास नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही यह संसार टिका हुआ है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर, तुम्हारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे एक जल से भरा अपना लोटा देते हैं। ये लो, ये अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा, इसे उस नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद वो अमृत अपने हाथों में ले लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी देवराज, अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस नरभक्षी का अंत भी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिसके बाद ज्ञानचंद अमृत लेकर उसी जंगल में जाता है, तभी उसे वो नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी ज्ञानचंद के हाथ में वो अमृत का लोटा देख लेता है। अच्छा, तो तू उस तपस्वी देवराज के पास गया था, उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों पर यह अमृत भी नहीं डाल पाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ,
मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और नरभक्षी ज्ञानचंद को अपने दांतों से उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहाँ गरुड़ राज पेड़ से खूंखार नरभक्षी के ऊपर छलांग मारता है और नरभक्षी ज्ञानचंद की गर्दन को छोड़ देता है। यह तूने अच्छा नहीं किया गरुड़, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ कि तभी अचानक से ज्ञानचंद अपने हाथ में उपस्थित अमृत खूंखार नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत डालते ही वो नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है, जिसके बाद ज्ञानचंद और गरुड़ की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई देती है। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है, वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदे डाल दो। जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत को डाल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है, जिसे देखकर ज्ञानचंद खुश हो जाता है। आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई भाग्यवान, तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ जी, मुझे तो उस खूंखार नरभक्षी ने मार डाला था, फिर ये सब कैसे हुआ? जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी, आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली जी। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप पर मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी लालच की झांसे में मत आइएगा। नहीं भाग्यवान, मुझे समझ आ गया है, मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। दोनों खुश रहो, आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस नरभक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़राज, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं था। Thank you.